शत शत नमन। आज मैं अतुल परोलिया जी और अनुराधा परोलिया जी को बहुत 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 ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूं, जिन्होंने इस दुनिया को श्रुति और संस्कृति दी, जिन्होंने सर्जन किया है शून्य से रैंक होल्डर तक। थैंक यू सो मच उन पेरेंट्स को जिन्होंने ऐसी बेटियां दी है, जिन्होंने एक बार में, दो बार में, तीन बार में, कितनी बार, आई थिंक आप लोग बहुत बार भूल जाते होंगे ये लोग भी कि कितनी बार इतिहास रचा है, और बहुत ही रीसेंट इतिहास रचा है AIR2 ऑल इंडिया रैंक 2 एंड ऑल इंडिया रैंक 8 इन द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन आवर कंट्री, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। वेलकम श्रुति एंड वेलकम संस्कृति। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन, और मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इनफैक्ट जब हम लोगों ने आपका फोटो पोस्ट किया था, मुझे कितने लोगों ने किया कि बॉस आपसे गलती हो गई है, आपने एक ही लड़की का दो बार पोस्टर लगा दिया लगता है हम लोगों को। सो ऑडियंस को कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, मुझे पता है आप लोगों ने नाम पढ़ लिया होगा, बट मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हू श्रुति और संस्कृति? संस्कृति, श्रुति। संस्कृति एंड श्रुति। सो लेट अस स्टार्ट दिस जर्नी, 22 साल की ये जर्नी, 2001 4th मई से लेकर 2024 जनवरी तक आप लोग कंटिन्यूसली रिकॉर्ड बना रहे हैं। खाली मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूं, आर यू इवन अवेयर कि आप लोगों ने कितने रिकॉर्ड बनाए हैं और ब्रेक किए? frankly speaking मैं फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस बता देना चाहता हूं, ऑल इंडिया रैंकिंग फाइनल सी है। ऑलमोस्ट टॉप इन सीपीटी, मेरे को लगता है सीपीटी में रैंक नहीं दी गई, अगर सीपीटी में रैंक देते तो 12th में मुंबई की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में टॉप किया है दोनों ने, एंड दिस जर्नी कंटिन्यूस। सो 12th तक का स्टोरी आई थिंक मुझे थोड़ा पता है, 12th के पहले स्कूल में भी दोनों टॉपर थी, स्कूल में भी टॉपर थी, और कोई स्पोर्ट्स वोर्ट्स ऐसा कुछ आपने खेला है जो हम लोगों को नहीं पता, ऐसे कोई हिडन? नहीं, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव ये नहीं किया था, पर हां, ओ माय गॉड, यानी कि उनको चाहिए कुछ अच्छा कॉम्पिटिटिव हो, नहीं बस नॉर्मल स्कूल लेवल। करेक्ट। सो गाइस, आई वांट टू वेलकम एंड लेट अस फर्स्ट टेक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये समझ ही लिया होगा कि रिजल्ट आने के बाद क्या रिएक्शन होते हैं। मेरा आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रिजल्ट जब अनाउंस हुआ कि 9 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, जब से अनाउंस हुआ तब से आप दोनों में कितना झगड़ा हो कि आज आपको पहला रैंक आने वाला है कि मेरे को कौन सा रैंक आने वाला है? व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन द रिजल्ट डेट वाज अनाउंस, नॉट रिजल्ट वाज अनाउंस? बट आप लोगों को ऐसा तो लगा ही होगा ना, यार चलो इस बार भी हमें रैंक तो आने ही वाली है। टेल मी योर जर्नी, स्पेशली आफ्टर यू फिनिश द पेपर, you have already got rank in CPD, almost rank in CPD, rank in Inter-CA, Inter-CA mein in logo ko aaya tha All India rank 3 and 4, to final CA mein, especially when you wrote the paper, how was, what was the basic discussion between you two sisters? आप लोगों को कितना पता था कि नहीं यार इस बार तो हम लोगों को रैंक आने वाली है कि नहीं आने वाली है, क्या था वो फियर एंजाइटी, मैं पूछना चाहूंगा। एग्जाम से तो मेरे पापा भी यही बोलते थे, आप मेहनत करो अपनी जितनी मेहनत कर सकते हो, सो दैट यू डू नॉट हैव एनी रिग्रेट्स। हमने वही कहा था, पेपर इतने अच्छे तो नहीं गए थे कि ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते थे कि रैंक आएगी आएगी, कोई कोई पेपर एक्चुअली काफी टफ थे, ग्रुप वन तो काफी पेपर्स थे जो। दोस्तों इस पॉडकास्ट में मैं आपको मार्कशीट बताऊंगा, ये बोल रही है पेपर मार्क्स देखिएगा आप, और ये मुझे ये समझना है कि व्हाई, इनफैक्ट ये बहुत सारे ऑडियंस का भी क्वेश्चन होता है कि सब सभी रैंक होल्डर ऐसे ही बोल रहे हैं। हां, जब भी आता है आई टेल यू, सो बेसिकली क्वेश्चन ऐसे थे कि हम ना जजमेंट यूज कर रहे थे कि हां कि मेरे हिसाब से ये आंसर है, तो वो गलत भी तो हो ही सकता था ना, इक्वल मतलब अपना जजमेंट यूज कर, एक नया क्वेश्चन आया है दो तीन दिन का गैप था कि रिजल्ट आने वाला है 9 तारीख को, 5 या 6 तारीख को, उसके पहले सब हाइप थी कि इस दिन आ रहा है उस दिन आ रहा है, बट 5 या 6 तारीख को अनाउंस हो गया कि आज रिजल्ट आने वाला है 9 तारीख को, तब आप लोगों क्या, कैसे आप लोगों ने समय बिताया, एंड हाउ वाज दैट एंजाइटी बटरफ्लाइज विद इन? आई थिंक मेन तो आर्टिकल्स भी चल रही थी एंड बाकी फ्रेंड्स के साथ मिले थे तो डिस्कस करके थोड़ा सा कि तुझे भी स्ट्रेस हो रहा है मुझे भी स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा ऐसे डिस्कस कर दो, सिद्धिविनायक टेम्पल कहते थे। वाओ, गणपति बप्पा। सो आप फाइनली एक मंत्र तो दे ही दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है
बहुत बार आज बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन लोगों का रिजल्ट अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में आएगा, तो क्या मंत्र आप देना चाहोगे, हाउ टू कंट्रोल दैट एंजाइटी, वर यू एबल टू सक्सेसफुली डू दैट? पोस्ट एग्जामिनेशन से डिस्ट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि तब तो कुछ सब कुछ हो ही गया था, आरआर नहीं, शॉर्ट नॉलेज, इट वाज जस्ट सी वेट लाइंस. So, उसके बाद तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, जो भी आप करना चाहते थे प्री एग्जाम्स वो नहीं कर पाते, वो आप करो पोस्ट एग्जामिनेशन. सो आई थिंक लेट मी नाउ पुट माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू संस्कृति. संस्कृति, यू हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 2, लाइक लेजिट 2. लास्ट शी हैड गॉट ऑल इंडिया रैंक 3. दोनों बहने आई सीन देम टीचिंग. हम लोग ने कोविड के टाइम पे भी पढ़ाई की है, हम लोग ने इंटर में भी साथ में पढ़ाई की, दोनों साथ में बैठते हैं, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं. बट जब आपको ऑल इंडिया रैंक 2 आया, हाउ डस ऑल इंडिया रैंक 2 फील? जब कॉल आया था तब तो एकदम मतलब ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार एक्चुअली आ गया था. लाइक आई सेड द पेपर्स वर प्रीटी टफ टू सम एंड बी आर 2 व्हिच इज लाइक, तो और इन लोगों ने जो पेपर्स लिखे टेस्ट सीरीज ड्यूरिंग क्लासेस, आई रिमेम्बर सेंडिंग देम पेपर्स एंड सीइंग देयर मार्क्स इन द पेपर, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंट था कि रैंक आ रहा है. बट कौन सा रैंक आ रहा है वो ऑब्वियसली एज अ टीचर वी कैन नॉट डिफाइन. बट आप लोगों ने एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन किया था? नहीं, मम्मी इस बार मेरे को लग रहा है श्रुति फोड़ देगी, मुझे ये लग रहा है संस्कृति फोड़ देगी. हाँ नहीं, दोस्तों ये दोनों एक जैसी है, दोनों मतलब आप समझ लो, आपको बीच में कास्ट दिख रहा है, ये लोग ने अलग अलग टी शर्ट भी नहीं पहने, सेम ही पहने, मेरे को लग रहा है कोई AI से मैं एक ही जैसी बातें कर रही है दोनों. ओके लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ आई वांट टू आस्क श्रुति, क्योंकि क्या हुआ है, यू गॉट अ कॉल फ्रॉम The president himself have called Sanshruti saying that you got AIR2. Now let Shruti define, how was the feeling at home at that point of time? Oh, it is full celebrations going on, and I was like, that she got AIR2, so mujhe bhi rank. Yes, sir, yahan par aa gaya mantra. Dekho, main bol raha hu, itne replica hai ye dono. Yani ki jaise hi Sanshruti ko rank aaya, matlab man mein to laddu phuti rahe ki chalo. क्योंकि दोस्तों मैं आपको सिर्फ बता देना चाहता हूं, इन दोनों बहनों का अगर हम स्टार्ट करते हैं 12th स्टैंडर्ड से, 12th स्टैंडर्ड में श्रुति हैव टॉप, संस्कृति वाज बिहाइंड हर. CA फाउंडेशन में श्रुति हैव टॉप, संस्कृति वाज जस्ट 5 मार्क्स बिहाइंड हर. CA इंटर में नाउ संस्कृति हैव टॉप एंड श्रुति वाज जस्ट 1 रैंक बिहाइंड हर. तो ऑब्वियस था कि फाइनल में अगर इसको रैंक आ गई है तो मुझे तो आनी वाली. ये कैसे करते हो, मतलब आप लोग पेपर हॉल टिकट में ऐसे एक एक दिन अलग अलग दिन जाते हो आप लोग? चल आज तो ये वाले हॉल टिकट पे जाते हैं, ये वाले हॉल टिकट पे जाते हैं, साथ में ही पढ़ा था, तो विद सेम एफर्ट्स यू हैव टू बी क्लोज बाय. यस यस, वेरी ट्रू गाइस. एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू जस्ट, आई कैन इमेजिन के वो घर पे एटमोस्फेयर क्या होगा. दोस्तों इस घर में ये लोग जहां पर रहते हैं, मैं आप सब लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहता हूं. 1, 2, 3, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक ऐसी लेडी है अनुराधा जी, मैं आपको ये बोल रहा हूं, द मॉम ऑफ 3 ब्यूटीफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. एक जन है जिन्होंने 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट को बड़ा किया है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ रही है, और ये 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट, पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतना कम पड़ रहा था तो भाभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गई और दोनों मेरे चार्टर्ड. हाउ मच डज दिस चार्टर्ड फैमिली हेल्प यू टू अचीव व्हाट यू हैव अचीव टुडे? On all terms help, तो on all terms, emotional terms, academic terms, articleship में भी काफी doubts होते थे तो पूछ लो. मतलब ऐसे ही होता था कि जब भी आप लोगों को कुछ भी doubt आया तो सर को क्यों phone करना है, मतलब कौन है तो मैं तो भाई ये वाला doubt आप solve कर दो. Academically तो फिर हम professor से बैठे थे, but otherwise mentally भी, because it's a very professional exam, you need mental support in the right environment, तो वो तो घर से ही मिलता था. ओके, अब एक काम करता है, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, लेट अस कम टू द मेन मुद्दा. अब मुझे चाहिए कि आप दोनों बहने टर्न बाय टर्न हेल्प करें. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो इंटर सीए की पढ़ाई होती है और जो फाइनल सीए की पढ़ाई है, वो जो गैप है इट्स क्वाइट डिफरेंट. इंटर सीए में यू हैव सीन बहुत कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इधर ऑन द सेम क्वेश्चन कम और सेम लाइन ऑफ क्वेश्चन कम, बट जब व्हेन इट कम्स टू फाइनल, जैसे कि आपने बोला कि इस बार पेपर बहुत ट्रिकी था, तो इट इज क्वाइट डिफरेंट. आई एम कमिंग टू द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इंटर सीए के रिजल्ट के बाद फाइनल सीए की एग्जाम तक का मुझे आप दोनों बहनों से स्ट्रैटेजी समझने के, हाउ हैव यू गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर जर्नी?
सो स्टार्टिंग मतलब द सेम थिंग माय सीनियर्स और माय पेरेंट्स तो यही बताते स्टार्टिंग से स्टार्ट करो बिकॉज एंड के स्टडी में आप मैजिक तो नहीं कर सकते आपको स्टार्टिंग से तो हमने ए प्लस से क्लासेस स्टार्ट की थी सो आई वाज डिसिप्लिन्ड अप्रैल से एडनोवेट क्लास चालू कर दी थी अप्रैल 2021 से एंड द थिंग वाज कि जो टेस्ट होते थे तो एकदम सिंसियरली तो मतलब इवन दो लेट नाइट्स हो रहे रात तक 3 बजे आप सो रहे पर सुबह 7 बजे के क्लासेस अटेंड कर ही रहे हो सो वो थोड़ा डिसिप्लिन वर्क्स एंड आप एक एक दो दो घंटा भी हर दिन का पढ़ो इट सीम्स वेरी लेस कि एक दो घंटा बट एट द एंड ऑफ इट इट सम्स अप टू अ बिग नंबर एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस सो आई गेस वो डिसिप्लिन मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग डे से स्टार्ट करो ऑब्वियसली कोई कोई ऑडिट सीजन से मतलब कोई कोई टाइम था ऑडिट सीजन में जब नहीं हो पाता था कि एक एक वीक हो जाता था अपने बुक को टच नहीं किया बट देन यू ट्राई टू कॉम्पेंसेट इट फिर देन आफ्टर वर्ड आप इंश्योर करो कि आप उसको कॉम्पेंसेट करो एंड यू कवर इट अप सो आई थिंक दैट वर्क So what I would do was basically I don't like studying theory much. So okay. what I would do was and if you give me like okay Saturday night or put in like coded part, so that'd be pretty boring for me. So what I would do, do this during article studies, that is during the weekdays. Weekdays are 3-3 ghante audit par to itna nahi lagta. So that is what I would do, a combination of theory and one practical. So like for the first year we were doing SFM and law. So that's what we had completed. So like on the mornings when you're very fresh after getting up, so that's 7-10 or something like that. It depends if there's an audit season, busy season. So only that. But otherwise, normally you try 7-10 ki audit par and after post this study for SFM, a practical subject. So guys, I think this is coming right from the horse's mouth. और आप ये देख सकते हो और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मैसेज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिन लोगों का आप ही के साथ साथ इंटर सीए का भी रिजल्ट आ गया है They usually think कि अभी अभी तो इंटर सीए का रिजल्ट आया है अभी तो हमने इंटर सीए पास कर लिया है क्या जरूरत है हमें क्लासेस स्टार्ट करने की मोर इम्पोर्टेंटली क्या जरूरत है सेल्फ स्टडी करने की तो ये मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इट इज कमिंग राइट फ्रॉम AIR 2 एंड AIR 8 कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो यू विल हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली भले आप थोड़ा चलो बट आपको चलना रोज जरूरी है Correct. तो आपने मुझे अभी मैं सुन रहा था आपकी बात आपने बोला कि 7-10 सुबह आप पढ़ते हो तो फिर आप ऑफिस भी जा रहे हो और सुबह 7-10 भी जा रहे हो फर्स्ट ईयर हमारा कोविड में था 2021 था पूरा एडवांटेज लिया इन दोनों बहनों ने पूरा एडवांटेज लिया कोविड का कि भाई आप एडवर्सिटी है वी विल फाइंड अपॉर्चुनिटी इन दैट तो उन्होंने जब वर्क फ्रॉम होम था तो आई थिंक यू गाइस हैव मेड मैक्सिमम यूज ऑफ वर्क फ्रॉम होम ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल टाइम बच गया तो आप मुझे एक बात बताइए कितना आप लोगों को इरिटेट होता था जब आप लोगों का ऑडिट पीरियड चल रहा है और आप लोगों को पढ़ाई करने नहीं मिल रहा है हाँ, काफी मतलब मुझे मुझे पता है एक दिन था लेटे जो मैं 3:30 को मतलब 3:30 हो गया था काम खत्म हुआ था एंड नेक्स्ट दिन टेस्ट था 7 बजे मतलब वो टेस्ट था अब उसके लिए थोड़ा पढ़ना बाकी था मतलब लिटरली फिर मैंने सोचा कि चलो अभी आधा घंटा सो जाते लेकिन मैं उस दिन आधा घंटा सोई थी फिर 2 घंटा वो टेस्ट के लिए पढ़ती थी रात को काम खत्म हुआ हाँ मतलब वो ऑडिट सीजन ही चला मेरे तो वो तो नॉर्मल था फिर तो आधा घंटा का तो प्रॉब्लम वाज कि आपको सो के ही जाना पड़ेगा तो लिटरली वो उस पूरे लेक्चर पूरा 1 o'clock तक वो खत्म हुआ था एंड देन उसके बाद फिर मैं सोई थी थोड़ा टाइम सोते फिर वापस वैसे काम पे लगता फिर आई न्यू दैट फीलिंग बट देन वो लाइव लेक्चर था जूम लाइव था इसलिए आई डिड इट अगर ये नॉर्मल रिकॉर्ड था तो मैं नहीं करती ऑब्वियसली I think guys, this is a huge message. आप देख सकते हो dedication level, despite audit का season है, but कोई भी class के test हो, किसी को भी कभी भी light नहीं लेना. Yeah, that is the biggest message. Difficult होगा मतलब I'll say कभी कभी तो literally आप 5-6 बजे तक ही आ पाओगे. But then देख लो because क्या otherwise backlog एक बार start हो गया ना फिर तो there's literally no end to it. I think Shruti Sanskriti both maybe we can start from Sanskriti. आप please एक message दीजिए. आप उन्हें बताइए कि ये आपका फर्स्ट ईयर है अभी आप लोगों को रिजल्ट आ गया है हाउ दे कैन मेक अ डिफरेंस व्हाट इज द बिग थिंग यू कैन प्ले एज जैसे आपने ऑलरेडी समराइज कर लिया बट जस्ट गिव वन शार्प मैसेज व्हाट नॉट टू डू इन दिस वन ईयर फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में क्या नहीं करना चाहिए उनको जैसे फर्स्ट ईयर में कंसीडर करते काफी बड़ा अचीवमेंट कैसा लॉन्च है कि आप एंटायरली मतलब जस्ट अभी से बैठ के स्टार्ट कर दो आप एंजॉय करो यू डिजर्व इट यू डिजर्व द आर्टिकलशिप एंजॉय करो इंटरव्यू प्रोसेस एंजॉय करो यू गेट इन योर डिजायर्ड फॉर्म्स एंड आप सीखो पर देन ये इंश्योर करो कि क्लासेस लिटरली सिर्फ वीकेंड में हो रही है एंड वो 6 घंटे की हो रही है तो उतना तो आई गेस उतना इवन इट्स टफ बट उतना अटेंड करो एंड रिलीजियसली अटेंड करो एंड अगर कोई होमवर्क दिया जा रहा है कोई टेस्ट दिया जा रहा है दैट इज बेयर मिनिमम उतना तो इट इज प्रीटी मैनेजेबल ऐसा आपको वीकडे मिलेगा आराम करने के लिए एंजॉय करने के लिए बिकॉज यू डिजर्व इट ऑल्सो आपने कितनी मेहनत की बट देन इंश्योर की क्लासेस एंड टेस्ट एंड होमवर्क्स आर इन वेरी डिसिप्लिन मैनर आप करते ही रहो सो आप देख सकते हो कि एडनोवेट वी मेड श्योर कि भले ही आपका फर्स्ट ईयर है फिर भी
आपको होमवर्क करना है, आप फाइनल सी के बच्चे हो फिर भी आपको होमवर्क करना है, आपको वो टेस्ट देना है, और बहुत वो छोटी छोटी चीजें आज मुझे लगता है कि कितना हेल्प होता है उसके बाद। संस्कृति से आगे बढ़ता है, श्रुति के पास जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग है दोनों बहनों में। श्रुति यू टेल मी, सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में संस्कृति ने क्लियर मैसेज दे दिया है, बिंदास जाओ क्लास पढ़ो, छह छह घंटा ही पढ़ना है, होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क करना है, क्लास टेस्ट दे रहे, देना है। बट लास्ट ईयर सेकेंड ईयर अब गाड़ी अलग, अब वीकेंड के क्लास खत्म हो गए, अब आपको थ्रू आउट लेक्चर्स होने वाले। व्हाट इज योर मैसेज फॉर सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर तो ऐसे कि आई शुड डू जस्ट वन सेशन वीकडेज में, तो से सुबह करो तो सेकेंड ईयर में तो मेक इट इवन इन द इवनिंग्स एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ वीकेंड्स एंड एनी पब्लिक हॉलीडेज दैट यू गेट, बिकॉज सेकेंड ईयर तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इफ यू थिंक स्टडी लीव में कुछ होगा तो स्टडी लीव में कुछ नहीं होता, एंड इफ यू थिंक एक बार पहले से पढ़ के रखोगे तो याद नहीं रहेगा, तो वैसे भी याद नहीं रहने वाला, यू नीड मल्टीपल रिविजन्स, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर। सो आई थिंक अगर यू जस्ट गोइंग फॉर मॉर्निंग सेशंस एंड देन प्लान इट अकॉर्डिंगली, आपका जैसे भी टाइमिंग है, हर भी सीजन पर कुछ भी वेरी बिजी तो उसमें मे बी एक ही सेशन हो पाए या कभी भी नहीं हो पाए, बट यू कवर इट अप एरियाज इन टाइम्स व्हेन इट इज नॉट सो बिजी, बट मेक श्योर दैट यू कवर इट अप। एंड as in the second year also, in the first year we had completed two subjects, okay. In the second year we had completed almost three and a half subjects, so that itself shows you have to study more in the second year. First year you can and the problem work pressure bhi thoda zyada hi hota hai fourth year se compare, so you have to have better manage all the senior ho jata hai to all the more difficult ho jata hai, correct. I think in dono baithon se ek cheez to seekhne jaisi hai dosto, ki aap logo ko agar aap final CA mein first attempt mein clear hona chahte ho and rank lana chahte ho, तो प्लीज अपने दिन को समराइज करना चाहता हूं कि तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट सेशन इज योर क्लासेस, वन सेशन इज योर क्लासेस, वन सेशन इज योर ऑफिस, एंड वन सेशन मिनिमम आपको रोज निकालना है कुछ नहीं करने से तो बेटर ही है कि आप कुछ तो यूज करो। वेरी क्लासिक मैसेज में दोनों बहनों से बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा हूँ बार बार, दोस्तों ऐसे ही रैंक नहीं आती है, ऐसे रैंक नहीं आती है। आप देख सकते हो कैसे एक एक मिनट बचाना पड़ेगा, कैसे हर एक मिनट को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। इस पूरे जर्नी में कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेस फील हुआ काम का या पढ़ाई का, और जैसे कि आपने ट्रैवलिंग टाइम भी यूटिलाइज किया है, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? मतलब अगेन थैंक यू अतुल जी, थैंक यू अनुराधा जी, आई वांट टू थैंक योर ब्रदर आल्सो, व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम? तुषार, थैंक यू तुषार जी आपको भी, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा एनवायरनमेंट रखा है कि आप लोग पॉजिटिव रहते थे। मेरे को और इनसाइट दीजिए, इतने स्ट्रेस में पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए? हाउ डू यू फाइंड यार, मतलब आज मैं थक के आया हूँ, मैं इतना देखता हूँ कि जो लोग पढ़ाई नहीं करते वो भी थकने के बाद नीचे भी नहीं जाना यार, फ्रेंड नहीं जा रहा हूँ। व्हिच इज मैं यूजुअली कहता हूँ, सेम आप पूरा दिन भर काम कर रहे हो, रात में फॉर एग्जांपल 12 बजे आ रहे हो, ये तो आप थक गए, पर दैट वन मैं ऐसा कुछ सुन लेती थी, मैं तो खुद पढ़ नहीं सकते, मैं कुछ सुन तो सकते एक पॉडकास्ट में जो रिविजन लेक्चर है वो बैठ के सुनो, आंखें बंद करके ट्रेन में बैठो और बस सुन लो, इवन दैट आप मे बी 60% रिटेन करो 70%, बट दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। मतलब इट इज ऐसा तो नहीं पूरे दिन भर आप टाइम पास करो, एंड बिकॉज ऑडिट सीजन काफी एक दो महीने तक चला, तब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ टच फ्रॉम द बुक्स फुल्ली, तो कुछ तो ऐसे मेंटेन। श्रुति हाउ डू यू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव यार, थोड़ा बताओ लोगों को, लोगों से तो क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रहे फर्स्ट ईयर में, आप क्लासेस भी स्टार्ट किए, आप लोगों ने पढ़ाई भी की है, एंड दैट इज वेयर यू आर, वेयर यू आर टुडे, बट हाउ डू दे कीप देमसेल्फ पॉजिटिव? सो व्हाट आई वुड डू स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर एंड इवेंचुअली वी, बट द ब्रेक्स गॉट स्मॉलर, सो व्हाट आई वुड डू वाज मेक अ प्लान फॉर अ वीक, ओके, विद मोर ऑफ द वर्क डेसिग्नेटेड टू मंडे टू सैटरडे, and Sunday would be comparatively lighter. First year में तो कुछ भी नहीं होता था, but eventually you had to put something on Sunday, तो comparatively lighter होता था, maybe some 2-3 hours free in the evening, which you could then use for maybe hanging out with your friends, with your playing board games with your family or something like that. So that would help me to go through the week. Sunday you can enjoy and do whatever you wanted to do. So that's what I would use. I think there I've come lot studies के बारे में बहुत cover किया है, यही 2 साल में, क्योंकि आप अभी इंटर सीए हो, आप लोग ऑलरेडी कोविड बेबीज हो, आप लोग ने कोविड फेस किया है, इंटर सीए पास किया है, अच्छी जगह पर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो पढ़ाई के साथ साथ जो आपका सोशल लाइफ है, ओके, और प्लीज मुझे चाहिए कि आप ये भी बताइए कि कितना डिफरेंस है इन सोशल लाइफ एंड इन सोशल मीडिया, ये दोनों बहुत अलग चीज है।
सोशल लाइफ सोशल मीडिया इट इज नॉट सेम डेफिनेटली सो आई वांट यू टू हाईलाइट कि कितना इंपॉर्टेंट सोशल लाइफ को देना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया को देना चाहिए In these 2 years, I think both of you girls can take one by one. सैलून से क्या पूरा सब कुछ sacrifice करो मतलब किधर भी ना जाओ घर पे बैठे रहो you enjoy वो आपका वो first year especially है क्या enjoy करो but then you have to maintain a balance मतलब as long as आप ensure करो कि आप classes attend करो test दे रहे हो आपका कुछ level of studies चल रहा है then you can बाकी time तो है ना आपके पास बाकी time तो enjoy आप enjoy articleship enjoy make good network good team सीखो हाँ good friends exactly तो वो तो आप कर सकते हो but then हाँ You have to put, I say, सब कुछ नहीं कर सकते पर you have to prioritize them. चलो, she spoke about social life. आप social media, what was your 1 year, 2 year of social media? So like, I'm connecting on WhatsApp. सोशल मीडिया पे ही नहीं है मैडम मतलब दोनों बहनों में से एक बहन ने डिसाइड किया मैं रहूंगी सोशल मीडिया पे आपको जब भी सोशल मीडिया यूज करना है आप मेरा देख सकते हो बाकी हम दोनों को सोशल मीडिया पे नहीं रहना चाहिए प्लीज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया How much do you think is important to cut off from social media? Correct. So basically, you don't realize how much time you end up spending exactly, on it. Exactly. So I think I'm not saying you don't uninstall it today, but then I'll say limit it. You can put a timer or something like that, but mm-hmm. limit the time that you put on Instagram, you spend on Instagram because that's pretty non-productive. If you want, you can go and meet your friends practically. Very nice. आपने बहुत अच्छा भी बोला. I think family में board game. खेलना है ये सब भी है आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड जस्ट हम लोग 2 साल की बात कर रहे हैं हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक ऐसा एडनोवेट ने क्या किया था वो फर्स्ट ईयर लाइक यू चोज एडनोवेट एज योर करियर हाउ इम्पोर्टेंट वॉज दैट एडनोवेट फर्स्ट ईयर लाइक यू स्पोक अबाउट होमवर्क एंड टेस्ट एंड आई तो वुड वॉन्ट टू टेक इट के वॉट मैसेज यू वॉन्ट टू गिव टू स्टूडेंट्स एंड वॉट मैसेज यू वॉन्ट टू गिव टू एडनोवेट I was saying just कि ये हम ऐसे ना फर्स्ट ईयर में मोटिवेशन नहीं होता इतना स्टडी करने क्योंकि एग्जाम काफ़ी दूर है ना अभी काफ़ी बड़ा एग्जाम करके क्या है काफ़ी खुश है जस्ट इन्जॉइंग आर्टिकल शिप अभी सीख रहे हो नया उसका भी काफ़ी वर्क प्रेशर है पर गेस ये टेस्ट एंड ये होमवर्क के कारण डिसिप्लिन आ जाता था मतलब इवन इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू लाइक ऐसे मैं होता है किसको ही करना था यार तो नहीं करना था पर देन अभी टेस्ट है तो करना तो पड़ेगा होमवर्क दिया है तो भी वो तो करना पड़ेगा So I think that, you know, discipline... Wo, I know, yeah. in fact, मैंने ये भी notice किया and we had Edomed, we believe in that कि खाली homework देना नहीं है next day वो कि क्या आया है answer बोलिए Shruti बोलिए क्या answer आया Sanskriti बोलिए क्या answer आया Prelit बोलिए क्या answer आया तो वो भी मुझे लगता है कि कितना help करता है जब teacher आप लोगों को next day check करते हैं homework है ना that keeps us motivated now we are heading slowly to the study period but before I go to study period ekdam short mein dono behne please aap ye bataiye study period chalu ho uske pehle kya ho jana chahiye classes before study period starts what should get over yes mera personally april tak khatam ho gaya tha my reading and this and then my revision start ho gaya tha I got from 1st july the study leave तो मतलब मेरा पर्सनल मुझे भी सीनियर्स ने यही बोला था कि ट्राई कि आपका क्लासेस खत्म हो जाए जिससे भी आपको क्लासेस लेना है एंड आपका फर्स्ट ईयर ट्राई करो जितना आप कर सकते थे एंड मुझे पता था मेरा स्टडी लाइफ थोड़ा कम है बिकॉज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था तो देन आई एंश्योर कि वो अप्रैल तक खत्म हो जाए जैसे आई गेट दिस रिवीजन का टाइम तो स्टार्ट हो जाए हाउ इम्पोर्टेंट संस्कृति श्रुति यू थिंक दैट के इट हैव हेल्प यू फिनिशिंग ऑल क्लासेस यानी कि संस्कृति ने बोल दिया है दोनों बहनों ने सेम ही फॉलो किया है कि हमारा एग्जाम नवंबर में है तो हमें स्टडी लीव मिलने वाली है अप्रैल या मई से आपकी पढ़ाई तो खत्म होनी चाहिए साथ साथ में एटलीस्ट एक बार आप लोगों को रीडिंग दिस इज व्हाट माय सीनियर्स हैव टोल्ड मी कि अगर आप योर डिजर्व मतलब यू वांट अ गुड मार्क्स और यू वांट अ रैंक तो ये दिस इज व्हाट दे हैड सेड हमने बोल दम दिस व्हाट आई बिलीव इज कि द पोर्शन इज सो वाइड ना यू कैन स्टडी इट बट यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन इट एज लॉन्ग एज इफ यू डोंट रिवाइज इट सो आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा तो इतना बड़ा कि याद नहीं रहेगा I think same message. If one message आप ये भी दे सकते हो कि बहुत सारे इंटर्स ये की भी बच्चे होते हैं जो लास्ट तक किसी किसी के तो क्लासेस ही लास्ट तक खत्म नहीं होते और बहुत सारे फाउंडेशन के बच्चे जो आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आज दे आर आल्सो थिंकिंग कि हमें कब स्टार्ट करना चाहिए व्हाट इज योर मैसेज टू देम एज अर्ली एज पॉसिबल मतलब मतलब स्टार्टिंग में आई अंडरस्टैंड कि द मोटिवेशन होता है व्हेन योर एग्जाम्स आर 1 ईयर और 3 इयर्स अहेड बट देन एटलीस्ट क्लासेस अटेंड करो उतना पार्ट रिलीजियसली वो 6 घंटे रिलीजियसली दो लाइक आई सेड ये सब कुछ मतलब
that little little thing counts a lot because baad mein aapko 6 ghante ki value kafi pata chalegi jab wo itne lectures pending reh gaye. So let me now come back to the most important period. Sabse important period hai study leave. बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग ऐसा समझते हैं कि पढ़ाई स्टडी लीव में ही करना चाहिए. आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरीके से मैसेज पास ऑन कर दिया है कि आपकी एक राउंड ऑफ स्टडीज एटलीस्ट हो सके तो आपको स्टडी लीव स्टार्ट होने के पहले. स्टडी लीव में यूजुअली क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों ने फॉलो की थी या आप एक मैसेज अगर आप दे सको बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आई थिंक इट इज लार्ज. आज मैं ये मैसेज उन सभी लोगों के लिए यूज करना चाहूंगा जो शायद किसी कारणवश आज जब रिजल्ट आया है पास नहीं हो पाए. इट मे बी एन इंटर सीए स्टूडेंट, इट मे बी ए फाइनल सीए स्टूडेंट. अगर आप किसी कारणवश इस सेशन में पास नहीं हो पाए, आप ये एडवांटेज लीजिए कि जैसे इन दोनों बहनों ने स्टडी लीव के पहले एक राउंड खत्म कर लिया था, आपने लास्ट एग्जाम देकर एक राउंड खत्म कर दिया है. अब जो इन्होंने स्टडी लीव में किया है एग्जैक्टली वी हैव द सेम टाइम फॉर ऑल ऑफ देम. सो आई थिंक ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम who are giving it for the first time also and who are repeating also. I want to know, what do you want us to do as a student? हमें क्या करना चाहिए study leave के लिए? Currently हमने सिर्फ मतलब plan बना था तभी कि एकदम full grand plan था कि हर एक पहले हमने हर एक subject को लिया था, हर एक chapter को time allocate किया था. ठीक है, इसमें इतने pages, इसको इतना time लगेगा. Obviously approximate कि ये इतना लगेगा, because एक reading किया था तो थोड़ा सा idea था कि ठीक है इतना time लगेगा. फिर total number of hours आ गए थे and total number of days आ गए थे. We knew कि two revisions हमने ट्राई किया था फॉर प्रैक्टिकल एंड थ्री रिविजन्स फॉर द थ्योरी ऑडिट एंड लॉ. तो फिर वैसे फिर देन नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड किए थे नंबर ऑफ डेज से एंड फिर फिल्मिंग उनके हमारा डेली टारगेट इतना होना चाहिए. फिर चाहे वो फॉर एग्जाम्पल 12 घंटा है, चाहे वो 14 घंटे लगे वो करने के लिए, फिर 10 घंटे 8 घंटे लगे. सो इट इज उतना आपको एंड नंबर ऑफ डेज अलोकेट करें. यूजली सी ए फाइनल में स्पेशल हो जाता है, आप देते रहो सब्जेक्ट होता रहेगा, मतलब इट इज इतना वाइड है कि आप करते रहो एंड देन एट पॉइंट फिर देन टाइम ही बचा. तो एकदम स्पेसिफिक रोके, फॉर एग्जाम्पल 14 डेज दिया तो ट्राई टू कमिट एज मच एज यू कैन इन 14 डेज. नहीं माना तो जस्ट मूव ऑन टू द सेकंड सब्जेक्ट, वरना तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही. लाइक आप जितना भी कवर करो कुछ ना कुछ तो रहेगा, कितना कुछ तो छूटने वाला है. तो Nice. एक प्लान बना दो. एडवांटेज ऑफ प्लान आपको पता रहेगा एक्जैक्टली आप से आज आपने फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे पढ़ाई का वो टारगेट हो गया, मगर दैट्स ओके राइट. एंड सिमिलर अगर आपको पता है कि आज 12 घंटे का टारगेट नहीं हो तो यू सिट फॉर दैट 14 आवर्स. एटलीस्ट वो सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगा कि आप टारगेट्स मीट करो, प्लस यू विल बी डिसिप्लिन्ड ऑल्सो एंड आपको खुद को पता चलेगा कि एट एंड यू वॉन्ट समथिंग. तो ठीक है चलो आपको चाहिए कि आप इस डेट तक आपका फर्स्ट रिविजन खत्म हो तो यू आर ऑन ट्रैक फॉर दैट. अदरवाइज इफ यू जस्ट कीप पिकिंग अप सब्जेक्ट्स तो मे बी आप उस टाइम पर अपने टारगेट्स नहीं अचीव करो और आपको लास्ट में पता चलेगा व्हेन इट्स ऑलरेडी टू लेट. बट आई थिंक इट इज अ वेरी बिग मैसेज. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए. बट जैसे कि संस्कृत ने ऑलरेडी डिफाइन किया है, लेट्स नॉट डिफाइन योर डेज बाय द आवर्स बट लेट्स ब्रेक योर डेज इन टर्म्स ऑफ टास्क. अगर आपने टास्क ओरिएंटेड कर लिया तो टास्क जब तक टास्क अचीव नहीं होगा तो हमें आज का दिन नहीं रखना है. स्पेशली स्टडी पीरियड में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट इसी के अंदर दो क्वेश्चंस है मेरे. पहला क्वेश्चन श्रुति आप आंसर कीजिए. कभी कभी आपने जो टास्क सेट किया है 7 डेज में इतना खत्म हो जाना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो हाउ डू यू डील विद दैट? सो द नेक्स्ट वीक विल बी मोर, जो भी प्लान है उसमें वो मोर हो जाएगा ऐसे. ओके, यानी कि सब्जेक्ट तो चेंज करना ही करना. अगर 7 दिन के बाद आपका फर्स्ट टास्क नहीं अचीव हुआ तो नेक्स्ट टाइम में यू हैव टू स्विच टू द सब्जेक्ट. क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो लोग क्या करते हैं, 7 दिन में नहीं हुआ तो वो लोग अपने आप को बोलते हैं नहीं नहीं कोई नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा. एंड देन ही जंप ऑन टू द ही एक्चुअली कैरीज फॉरवर्ड द सेम थिंग फॉर नेक्स्ट 2-3 मोर डेज और वो पाइल अप होते जाता है और जो 3 रिवीजन का प्लान है वो 2 पे आ जाता है, कभी कभी 1 पर आ जाता है और कभी कभी टेस्ट उसके अंदर सैक्रिफाइस हो जाती है. आई विल लाइक टू से कि ऐसा नहीं होगा कि आपका प्लान 100% एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज वो नहीं होगा एंड ये खुद को भी मतलब उतना अलाउ करो. बट देन यू ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज यू कैन. एटलीस्ट 100% तो नहीं होगा कि हर दिन टारगेट, बट एटलीस्ट 99% 98% 90% तक तो करने की कोशिश करो. देयर विल बी ऑब्वियसली वो अनसर्टेनिटी जो आपने कैलकुलेट नहीं की होगी, कुछ आप लोग का जेन्युइनली बहुत ज्यादा टाइम लगा है कोई समझा जो नहीं, तो हाँ तो प्लानिंग फ्लो होगा थोड़ा बहुत. तो थोड़ा तो इट विल बी अ लिटिल योर एंड देयर, बट इंश्योर करो इवन इफ अ लिटिल योर एंड देयर तो भी चल जाएगा, आपको प्लान उतना फ्लेक्सिबल रहेगा. बट देन एकदम ज्यादा रहेगा तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा क्योंकि मे बी यू हैव टू डू मोर. तो वैसा टाइप. तो इन फैक्ट आई एम नाउ कमिंग अप टू माय सेकंड क्वेश्चन. दोस्तों मैसेज क्लियर है, टाइम खत्म, 7 दिन खत्म, चेंज द सब्जेक्ट बच जाता है. लेट्स नेक्स्ट वीक बी द टफर, बट आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा. बट इन 7 दिनों में आज का टास्क अचीव नहीं हो रहा है,
कभी कभी आप लोगों को ऐसे डिमोटिवेट, नॉट डिमोटिवेटेड, हैव यू गॉट दैट बोर्डम या कहीं ना कहीं पे लगाया नहीं यार आज आई वांट टू टेक इट अ लिटिल ऑफ, ऐसा थॉट आप लोगों को आया कि नहीं आया फर्स्ट, और अगर आया तो आप लोग ने उसको कैसे डील किया? So like she said, वो जो संडे वाला रूटीन हम ये स्टडी लीव में हमने ये इम्प्लीमेंट करता है नहीं होता है, मतलब जनरली फर्स्ट मंथ में नहीं होता पर इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा तो मतलब एग्जाम होता है बिकॉज आप इतना कर ही रहो हर दिन आप लिटरली सुबह उठ रहे हो आप पढ़ रहे हो रात तक, तो एट सम पॉइंट टाइम वो कॉन्सेंट्रेशन वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती इन सम डेज. तो ये हमारा ये पर्सनल टारगेट था कि हम एक वीक में रखते थे, वीक का टारगेट था एंड वो इंसेंटिव था कि चलो अगर जल्दी मतलब हो गया तो फिर वो संडे को वो ब्रेक मिलेगा, वो हाफ वो दो तीन घंटे मिल गए, तीन चार घंटे मिल गए. तो आई गेस दैट इंसेंटिव मतलब यू आर नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म की चलिए शॉर्ट टर्म टारगेट से कि चलो चलो ये अभी मेहनत करते मेहनत करते तो फिर संडे को ये ब्रेक मिलेगा. आई थिंक दैट शॉर्ट टर्म आप अपना दिन को इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव बिग गोल्स तो शॉर्ट टर्म को ना शॉर्ट टर्म में तीन घंटा करो कि तीन घंटे के पास ये अगर आपने एक कर दिया तो आपको 15 मिनट ब्रेक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, नॉर्मल अपना एक घंटा रखोगा तो 15 मिनट्स मोर, आप वही करो जो आपको चाहिए जो भी चाहिए, इट इज ओपन टू यू वॉट मोटिवेट्स यू वो कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच जो भी वॉट एवर मोटिवेट्स यू बट देन दैट विल एक्चुअली यू नो गिव यू मोर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, आप नंबर ऑफ आवर्स में ज्यादा ही प्रोडक्टिव होगा बिकॉज यू विल एक्चुअली वॉन्ट टू कंप्लीट अ टारगेट टू गेट द सेकंड थिंग दैट यू वॉन्ट टू. Very nice. और कभी ऐसे मतलब how much have you girls tease each other? या संस्कृति मेरे को help कर दे, संस्कृति मेरे को help कर दे, ऐसा कभी आप लोगों को? तो जिन सभी लोगों को भी ये message आता है, you may have one friend with you. Or you may have one mentor with you. You can just, you know, use them. मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूँ कि whenever you feel demotivated, please immediately find that one person you are talking to. It can be your father. आप मम्मी से बात कर सकते हो, आप अपने भाई बहन, आप अपने टीचर या कोई एक फ्रेंड से बात कर सकते हो जो आपको वापस स्टार्ट करवा दे, थोड़ा किक स्टार्ट करवा दे थोड़ा आपका टाइम पास होने के बाद. सेकेंड पॉइंट यानी कि दोस्तों स्टडी लीव में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेज डिवाइड कर दीजिए, प्लान कर दीजिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है बहुत फाइनल सी के बच्चे मिस करते हैं इज राइटिंग प्रैक्टिस. व्हाट यू वांट टू से श्रुति, हाउ मच डज द राइटिंग प्रैक्टिस हेल्प एंड व्हाट डिड यू गर्ल्स डू, आप लोगों ने क्या किया? सो बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज कि सॉल्विंग वन सम एंड एट योर होम एंड सॉल्विंग दैट इन एग्जामिनेशन इज टू वेरी डिफरेंट थिंग. आप मे बी घर पे सॉल्व कर दो बट वही सेम सम पे अगर एक्चुअली एग्जाम है तो मे बी आप ना सॉल्व कर पाओ बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड दैट्स वाई राइटिंग प्रैक्टिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो इट इंड्यूसेस द एनवायरनमेंट, तो इसीलिए जब आप एक्चुअली एग्जाम देने जाते हो आप इतना नर्वस नहीं होते, यू डोंट मेक मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ नर्वसनेस. सो दैट हेल्प्स एस्पेशली फॉर FR एंड DTFR बिकॉज इट्स वेरी लेंथी DT क्योंकि हमेशा ही पेपर डिफिकल्ट आता है. सो इट विल प्रिपेयर यू कि आनी डिफिकल्टी आएगा, यू स्टिल हैव टू मैनेज इट दैट वे. आई थिंक इन दोनों के तो एकदम ही मस्ट है. FR की इट्स वेरी लेंथी, सो आई थिंक द मोर यू प्रैक्टिस इट the more chances that you'll be faster in the actual examination and be able to attempt for more marks. So for Indunuti, to must have. And what I had done was, the moment I would finish a, like say I've given 7 days or 10 days and I've completed that subject, I would write a test of that subject. Wow, very nice. Now you may say that 10 din ke baad mujhe to first day padha, wo nahi yaad, nahi yaad, nahi, wo to ek din pehle bhi nahi yaad hega. But to bhi maybe I'll give some 3-4 hours, I'll revise jo pehle padha hai, but I'll still give the test. See, aisa kabhi nahi hua ki you'll be fully prepared for the test. If you wait for that day, wo to day aayega hi nahi. So once you complete, so you've given 7 days or whatever days you have given, after that you write a test of that subject. And if you cannot recollect jo ekdam early padha, to give yourself 3-4 hours and revise that. But do give a test because that will also show you ki kitna aapne padha hai, on what points you have to focus on, would you not able to perform well. So that's how I have given half portion test. So agar half portion ho jata to uske baad I would, because full portion ka to kaafi कितने मॉक राउंड आप लोगों ने खेले, मतलब ये तो आपने 10 दिन के बाद लिखा, एग्जाम वाला ड्रिल आप लोगों ने कितनी बार किया, लाइक 2 days और 3 days test, short drill any test? See, but test wise सिर्फ FR and इसका ही 100% portion जाता, बाकी subjects को time नहीं मिलता है था. But I think when you do it that way also, especially in Indus year, remember we've been doing Indus year, कि अगर आप एक exam drill भी करते हो तो that helps. That helps. Coming to the next question, how would you like to pass a message? कितना important होता है, जैसे कि आपने बोला कि आपका पूरा 2 साल 3 साल का articleship आपको स्टडी लीव के लिए इंपॉर्टेंट है. स्टडी लीव में आपका पूरा इंटेंशन है कि वो 1.5 डे जो एग्जाम का है वो कैसे आप प्लान करोगे. सो हाउ वुड यू प्लान
फॉर योर 1.5 डे ड्यूरिंग स्टडी लीव? So I guess आप फर्स्ट रीडिंग कर दोगे, सेकेंड रीडिंग कर दोगे, आपको रफ आइडिया आ जाएगा कि वट इज योर वीक पॉइंट या वट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप पे. एंड आप धीरे धीरे समराइज करते रहो. इफ इट्स थियोरी देन आप धीरे धीरे उसको समराइज करते रहो, एक्जैक्टली कौन से सम्स करने, आपको एक्जैक्टली कौन से चैप्टर्स करने, कौन से आंसर्स करने, कौन से पॉइंट्स हमने हाईलाइट कर देते थे थियोरी में, तो वो पॉइंट्स दिखना है 1.5 डेज में. तो वो सारे जो आपको पहले से आप धीरे धीरे रिवाइज करते रहोगे, किसी पहले तो नहीं पता रहेगा, फिर एक जब आप रिवाइज करते रहोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ठीक है ये चीज़ तो रिटेन हो रही है, ये कॉन्सेप्ट अभी समझ गया तो ठीक है इसको अभी वापस करने की जरूरत नहीं, ये सब अभी आ गया अब इसको करने की जरूरत नहीं. सो सर थोड़ा शॉर्टलिस्ट करते रहो. But then 1.5 day आप दोनों ने प्लान किया था कि वो 1.5 day में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? हाँ हाँ प्लान तो अदरवाइज कुछ होगा नहीं वरना ना. So 1.5 day में तीन घंटे का कैसे प्लानिंग होता है? How would you want to describe that 3 hours? वो 1.5 day में what is your next strategy? बस रिवाइज के लिए और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो ऐसे स्टार्ट करना है. How would you do theory and practical? आपको करना है वो सेलेक्ट कर दो. Shruti, what one message for that 3 hours of practical paper you would want to give? सुपर लाइक इन केसेस ऑफ एफआर एन एएफ एम से कि एक ही समय मत अटके रहो, क्योंकि लाइक शी सेड यू आर लोकेट द टाइम, तो अगर ड्यू टू द कैलकुलेशन इन द बैक एंड, सो अगर एफआर में कंसोलिडेशन सम जेनेटिक एक्स्ट्रा टाइम, सो वो कीप दैट एलोकेटेड. एंड लेट्स से देयर्स 24 मिनट्स अ सेकंड दैट एंड 24 मिनट्स इज अप, देन यू गो टू द नेक्स्ट सब नो मैटर व्हाट. अगर दे भी कर तो भी आप नेक्स्ट सब में जाओ, नेक्स्ट सब जल्दी करो और फिर वापस आओ. अदरवाइज क्योंकि क्या होता है सी से कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट एज मच एज पॉसिबल बिकॉज़ यू डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. ऐसा हो सकता है आपने बहुत टाइम दिया 40 मिनट के कंसोलिडेशन को और आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, सो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू जस्ट डू नीड दिस सम. तो ओके टाइम इसके लिए राइटिंग पैटर्न इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल सो यू कैन हाउ मच हाउ फास्ट यू हैव टू डू दो कितना टाइम कौन से सम को देना है. देयर आर सम्स व्हिच टेक मोर टाइम, देयर आर सम्स व्हिच टेक लेस टाइम एज वेल. वो 4 मार्क्स का तो भी 4 मिनट में कितनी बार हुआ तुम दोनों के साथ क्या आपने सम स्किप करना पड़ा, मतलब आगे जाना पड़ा, होता है आप लोगों के साथ भी ऐसा? ये जो पेपर था ना हमारा एफआर पेपर, व्हिच वाज अ लिटिल थ्योरी ओरिएंटेड, तो लेंथी था, एकदम फुल ऑन लेंथी था, बट देन वो वैसे थ्योरी में यूजुअली ऐसा हो जाता है कि आप जितना लिखना चाहते हो इन द सेंस एग्जाम थे, मतलब नेक्स्ट सम में नहीं जाना पड़ता, बट देन ये था कि कोई कोई क्वेश्चन का एकदम श्योर नहीं था, तो दिस सेड कि ठीक है 25 मिनट्स एलोकेट करते हैं बिकॉज़ यू आर नॉट श्योर ऑन दिस आंसर, तो देयर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. जितना आता है जितना लग रहा है वो सब लिख दिया एंड देन फिर बाद में टाइम मिल गया 5-10 मिनट तो फिर देन आपने ऐड कर दिया. Very nice. I think we've talked a lot about exam और बहुत ही important tips दिए. मुझे लगता है कि अगर खाली इतना ही बच्चे समझ जाए तो it is going to play a lot of role. I just want to change the track, थोड़ा track change करना है और थोड़ा personal life में interfere करते हैं. Let me now quickly आप लोगों को फटाफट not a rapid fire but a sort of rapid fire मैं आपको एक character दूंगा और आपको उस character के बारे में डिस्क्राइब करना है, मतलब हाउ यू फील अबाउट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. ठीक है, सबसे पहले आपकी थ्रू आउट द जर्नी ऑफ अचीविंग दिस सक्सेस, गेटिंग दिस सक्सेस यू हैव गॉट, हर एक दो साल में इनको सक्सेस मिल ही रहा है, तो इस सक्सेस में फर्स्ट थिंग व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव इट टू मॉम डायरेक्टली ऑन टू द कैमरा. थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, हमारे नखरे झेलने के लिए भी थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट. अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए भी थैंक यू सो मच. जब हम यू नो व्हेन यू आर नॉट इन दैट मूड तो अच्छा अच्छा खाना खिला दो तो अच्छा लगता है. हैप्पी स्टार आपके लिए मैसेज स्पेशली श्रुति, आपको क्या बोलना मम्मी को एक्स्ट्रा? थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज फॉर अस, मतलब आपने अपने सैक्रिफाइसेस किए बिकॉज वी कुड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. थर्ड पर्सन आई एम टेकिंग इट डैड, आई थिंक दोनों ही बोल सकते हैं इसके ऊपर. How would you want to say dad? I think ये rank मेरे को please कोई मुझे मम्मी पापा से मिला दो, मेरे को ये rank का certificate उनको देना. Dad के ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? How much you want to thank him? What role he have played throughout your journey? I think the support and pressure कभी नहीं बना था कि चलो ये rank आता. पापा हमेशा ही बोलते थे कि आप अपनी मेहनत कर दो. मम्मी का ऐसे थोड़ा था कि चलो इंटर में rank आ गया तो मैं भी CA final, ये results के पहले ही discussion चलता कि CA final में भी rank आ सकता है. तो पापा ने बोला कैसा ऐसा होता नहीं, सी फाइनल इज अ वेरी प्रोफेशनल एग्जाम एंड वेरी टफ एग्जाम एंड उसमें आप सब अपनी मेहनत कर सकते हो, बाकी रिजल्ट्स तो डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. तो ये जो फील कि हाँ यार ऐसा नहीं है कि अब तो रैंक आ गया तो ठीक है, पर नहीं आता तो पॉइंट इज की वो हमेशा रहेगा ही. एंड द फीलिंग क्या चलो ठीक है, इवन आफ्टर वी हैव वर्क्ड हार्ड देयर विल बी प्राउड ऑफ अस इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट. वो फील मतलब वो जो कॉन्फिडेंस की हाँ यार जैसा भी रिजल्ट आएगा आई नो माय पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ इट एंड दे नो दैट हमने अपना बेस्ट दिया. वो आई गेस दैट फील दैट इज दैट समथिंग दैट आई रियली, क्योंकि
एक्सपेक्टेशन तो पूरी दुनिया की थी कि नहीं ये तो आ ही जाएगा, पर ये एक भी पर्सन बोलते कि नहीं नहीं ठीक है अगर नहीं भी तो भी यू हैव डन योर बेस्ट, वो काफी इंपैक्ट बनता है। सो माय डैड टू सी आल्सो कि फर्स्ट पेपर में उन्होंने बोला था कि तू ऐसा प्रेशर मत लेके जाके रैंक लेके आने, तो जाके बस दिखा दे कि एग्जाम में तूने क्या क्या पढ़ के, देयर इज नो प्रेशर कि तू फेल हो तो भी चलेगा, ऐसा कोई है नहीं कि वो प्रेशर लेके जाके बस दिखा दे एग्जाम में तुझे क्या, लेकिन एक नॉर्मल एग्जाम में आता था 6 महीने में आता था नॉर्मल। थैंक यू बोलिया अतुल जी को, पापा को पब्लिक में व्हाट यू वांट टू हाउ वुड आई डोंट थिंक कभी कभी एग्जाम टाइम में होता था कि कभी कभी ज्यादा टेंशन, तो पापा ने बोला यार नॉर्मल एग्जाम है, सभी तक एग्जाम है नॉर्मल एग्जाम है, सारे सर क्या होगा नेक्स्ट 6 मंथ में होगा तो इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फिर सबने कोशिश करते रहो। आई गेस दैट सपोर्ट दैट वो ही आप सैल्यूट अतुल जी टू यू सैल्यूट एंड बॉटम ऑफ माय हार्ट से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं टू क्रिएट दिस एटमॉस्फेयर। रिमेंबर इन दोनों ने कोविड पीरियड में किया है, लॉट ऑफ देम हैव डन इट ऑनलाइन लाइव Zoom में, कितना इंपॉर्टेंस रहा है आपके लिए ये लाइव लेक्चर्स, कितने इंपॉर्टेंट रहे? लाइक मैंने बोला कि लाइव लेक्चर्स डिसिप्लिन करते हैं बिकॉज़ देयर वर लॉट ऑफ डेज इन आर्टिकलशिप की काफी रात तक हम काम कर रहे थे, पर पता था कि सुबह तो लेक्चर अटेंड करना ही, एंड अगर आपको सुबह इफ यू वांट टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग आपको पहले वाले दिन का थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये समझ में आएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो रहा है। मुझे पता है इन लोगों को मैं बोलते रहते सब टीचर्स वीडियो ऑन रखिए, कितना इंपॉर्टेंट था वो वीडियो ऑन रखना, और काफी पर्सनलाइज भी था बिकॉज़ आई थिंक इफ यू कीप योर वीडियो ऑन तो वो भी देख लेते, उनको अगर दिखता कि नहीं नहीं ये समझ में आ रहा है ये मे बी और एक्सप्लेन कर दे, यू कैन मेक इट मोर इंटरएक्टिव आल्सो वीडियो ऑन करके। Wow, I'm shifting to the third person. This is a jump between family and endowment. So let's jump to the third person, Chartered Accountant Tushar Ji, your brother and your Babu as well. So I think ye journey mein kitna helpful rahe wo, and one thank you note for them. Again, support and sacrifices unne bhi kaafi kiya because hume ek room diya gaya tha, mujhe ek room diya tha, तो बाकी पूरी फैमिली एडजस्ट करी थी हॉलो एक रूम में, तो आई गेस एंटायर सैक्रिफाइसेस जो घर का कुछ काम रहता था तो भाई टेको करता था भाभी करती थी, इवन तो अद्विक आई जस्ट गॉट अ नेफ्यू तो भाभी इंश्योर करती थी कि हम डिस्टर्ब ना हो उसकी वजह से, तो आई थिंक द सैक्रिफाइसेस जो काफी ज्यादा हो गए सब थैंक यू सो मच। आप अकेले एग्जाम नहीं देते पूरे फैमिली हाँ, के साथ जीते हो और आप अकेले नहीं जीते हो पूरी परोल या फैमिली जीती है, आज पूरा एडनोवेट फैमिली जीता है, ऑल टीचर्स हैव फेल्ट गुड, वन मैसेज फॉर एंटायर टीम एडनोवेट। द सरप्राइज वाज एकदम हार्ट वार्मिंग, मतलब लिटरली अगर एक सेशन हो सके इतना आई वाज फीलिंग सो हैप्पी सो मच, तो एकदम थैंक यू सो मच फॉर एंटायर जर्नी फॉर द सपोर्ट, थैंक्स अ लॉट, मतलब देयर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब द कितना इम्पोर्टेंस है इस जर्नी में। सो अब मैं एक इंटरपर्सनल श्रुति को पूछना चाहता हूँ, व्हाट यू वांट टू से टू संस्कृति फॉर योर रैंक? थैंक्स फॉर हेल्पिंग फॉर बीइंग देयर द सपोर्ट सिस्टम। मैं संस्कृति पर नहीं पूछूं, वो सेम बोलने वाली है, मैं आपको बोल रहा हूँ सेम ही बोलने वाली है। हाँ सेम थिंग, वाओ वंडरफुल आई थिंक, एंड दिस इज आई व्हाट आर योर प्लान्स नाउ, हाउ डू यू फील लाइक contributing to the larger self student community को, मुझे चाहिए कि आप दोनों एक एक मैसेज दीजिए, बच्चा सी ए फाउंडेशन दे रहा हो, सी ए इंटर दे रहा हो, सी ए फाइनल दे रहा हो, और आज तो खाली सी ए फ्रेटर्निटी ने पूरा इंडिया देखा है आपका ये वीडियो, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे जनरली स्टूडेंट कम्युनिटी को? ऐसे लगे रहो, यू नो कीप वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल, देयर बी सम डेज विल फील लाइक गिविंग अप, सम डेज विल बी डिफिकल्ट, एंड आप हर दिन यू नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट योर 100%, देयर विल बी डेज जब आप थोड़े कम प्रोडक्टिव हो गए, जब हम नहीं प्रोडक्टिव हो रहे दैट्स ओके, ट्राई कर, आपने एक दिन अनप्रोडक्टिव हो ठीक है नेक्स्ट दिन ट्राई कर लो, सो आई थिंक नो दैट ऐसा होगा कि देयर विल कम डाउन्स बट देन कीप गोइंग, आई थिंक दैट्स व्हाट आई, योर मैसेज शुड बी आई थिंक द हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू सक्सेस, सो यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड अगर आपका इंटरेस्ट है तो मे बी यू विल नॉट बी दैट अनविलिंग टू डू गिव द हार्ड वर्क एज वेल, सो आई से वर्क हार्ड इज द ओनली वे यू कैन रीच, देयर इज नो शॉर्टकट available. And how does the people, पूरा दुनिया बहुत बार मायूस हो जाता है, रुक जाता है, एक soft message उन लोगों के लिए कि आज नहीं तो कल तो हमें जीतना ही है. So how does this victory feels to you? आज मैं उन सब students को जिसका first attempt में pass होना है, जिसको second, third, fourth कितने भी attempt लग जाए, but जिस भी दिन आप pass होंगे, आपको ये feel होने वाला है. How does it feel? How do you feel good about making your family so proud, making your entire teacher fraternity so proud, making entire society so proud, puri building so proud? Aaj sab logo ko ye bolna hai ki Shruti ko main jante hu, main janta hu Sanskriti ko, main janta hu kaisa feel hota hai, aur ye aap sare chartered accountant sare student fraternity ko ye sikhna hai ki jis bhi din aap apni mehnat puri karoge ek na ek din to aapko jeetna hi hai, aur jab aap jeetoge tab
ये सेम श्रुति संस्कृति आप बनोगे और तब सेम जैसे कि आपने इन्होंने अपने माता पिता को गुरु को इतना प्राउड फील कर रहा है, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स भी आज नहीं तो कल वो प्राउड फीलिंग करवाएंगे ही. थैंक यू सो मच. आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल कम्युनिकेशन. ऐसे तो हम कितनी भी बात करेंगे वो कम ही पड़ने वाली है. आई अगेन वॉन्ट एवरीबडी सिटिंग अप जहां कहीं पर भी ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी कंडीशन में हो, मुझे पता है शायद रिकॉर्डेड देख रहे हो, शायद लाइव देख रहे हो, लेट अस जस्ट हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस वंडरफुल 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 अचीवमेंट. कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली.